हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड का मैथ। तो सब बच्चे रेडी हो जाएंगे, अपनी बुक ओपन कर लेंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.4 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित फ्रैक्शन की हमें क्या करनी है, 2:2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो बच्चे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आपको समझाया था किस तरह से हम निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.4 है क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो जो 5 का ए है 1/5, ठीक है बच्चों। तो 1/5 के हमें इक्वलेंट टू फ्रैक्शन निकालनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले हम 1/5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। किससे कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से कर देंगे। बताया था आपको कि अगर हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कॉमन नंबर से। तो हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से हमने किया, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 जा 2 और 5 2 जा 10, यानी एक इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गई हमारी 2/10, किसकी, 1/5 की। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो मैं 1/5 की मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूं, तो 1 3 जा 3 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या आ गई, वही 1/5 की, एक तो 2/10 आ गई, एक 3/15 आ गई, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना, 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन भी लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 2/10, 3/15। ये समझ में आया बच्चों सभी को। क्वेश्चन नंबर बी देखें, क्वेश्चन नंबर बी है 2/7। तो क्या करेंगे भाई, 2/7 की मल्टीप्लाई पहले 2 से कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, तो एक आ गया 4/14। अब क्या कर दो, 2/7 की मल्टीप्लाई इस समय 3 से कर देंगे, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, ठीक है। तो 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या आई, 4/14, 6/21, क्लियर हो गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन, 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/14, 6/21, ठीक है। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 3/8, 3/8। तो बच्चों क्या होगा, 3/8 की मल्टीप्लाई किससे कर लो, पहले 2 से कर लो, फिर 2 से नीचे भी कर देंगे, 3 2 जा 6 और 8 2 जा, ठीक है, 16 हो गए। और 3/8 की मल्टीप्लाई किससे कर लो, 3 से कर लो, तो 3 3 जा 9 हो गए और 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24। तो 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन यहाँ भी निकल गई हमारी, 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन यहाँ भी आ गई हैं। क्या हो गया है, 6/16, 9/24, ये निकल के आ गया है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर बचा है डी, तो इसको आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ पिक्चर टू शो दैट द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, यानी ड्रॉ पिक्चर बनाइए टू शो, दर्शाने के लिए, दैट द फॉलोइंग की निम्नलिखित फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, इक्वलेंट हैं। तो बच्चों 1/3, ठीक है। तो ये बच्चों हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन दी गई हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनको शो करने के लिए क्या करना होगा, हमें पिक्चर बनानी होगी। तो मैं पिक्चर बना के दिखाता हूं। तो बच्चों जैसे यहां पर हमें 5, 6 का ए दिया है बच्चों, ये दिया है 1/3 इज इक्वल टू 4/12, ये दिया है ना। तो बच्चों अब देखिए 1/3 और 4/12 क्या भाई, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12 इक्वलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है इसको, क्या करना है, दर्शाना है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं एक
रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ रेक्टेंगल। मैंने ये बच्चे एक रेक्टेंगल लिया ये, ठीक है, रेक्टेंगल सब बच्चे जानते हैं। तो बच्चों मुझे इसमें कुछ पार्ट बना लेने हैं। नीचे कितने पार्ट है बच्चों, थ्री पार्ट है ना, तो मैं क्या करूँगा भाई, थ्री पार्ट बना लूँगा इसके, ठीक है। ये लो मैंने थ्री पार्ट इसके बना लिए हैं, थ्री पार्ट बन गए हैं। तो इसमें वन अपॉन थ्री दिखाना है, तो बच्चों वन अपॉन थ्री क्या होगा भाई, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, एक पार्ट ही तो होगा, वन अपॉन थ्री, यानी ये शो करता है वन अपॉन थ्री को, किसको शो करता है वन अपॉन थ्री को, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया वन अपॉन थ्री। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं एक रेक्टेंगल और बनाऊंगा, इतना ही बड़ा रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है ना, इतना ही बड़ा रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ। तो मैंने ये लो बना लिया, इतना ही बड़ा रेक्टेंगल, इतना ही बड़ा रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ, ठीक। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इसमें पहले मैं थ्री पार्ट बना लेता हूँ। तो ये एक पार्ट ये बन गया है, एक पार्ट ये बन गया है बच्चों। अब देखो मुझे इसमें 12 पार्ट करने हैं ना, तो देखते रहो अभी, वन टू, यहाँ पर कितने पार्ट हो गए, वन टू थ्री फोर, वन टू, यहाँ पर कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, ये भी हो गए ना। अब बच्चों मुझे क्या करना होगा, इसके चार पार्ट सेट करने होंगे, एक दो तीन चार, तो मैंने ये चार पार्ट क्या कर दिए, सेट कर दिए, ठीक है। ये चार पार्ट मैंने क्या कर दिए, सेट, वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट ये मैंने सेट कर दिए हैं। तो बच्चों आप मुझे ये बताएं इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, फोर पार्ट सेट किए हैं, टोटल तो 12 है, तो 4 अपॉन 12 बनेगी। अब बच्चों ये बात बताइए, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हैं, क्या है इक्वल, क्योंकि भाई इसके जो चार पार्ट होंगे इसके एक पार्ट के इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इसलिए हमने ये इक्वलेंट फ्रैक्शन को शो करने के लिए ये फिगर हमने बना दी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे की जो हमारी फ्रैक्शन है उसको आप अपने आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, सर्किल की बना सकते हैं, स्क्वायर की बना सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल फिगर लगे, ठीक है, वो बना सकते हैं, लेकिन उसमें 100 होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना रहेगा, आज हमने आपको कंप्लीट कराई है एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, कंटिन्यू बाय।